तो चलिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से उसे सीखते हैं दोस्तों। तो इसमें हम सिर्फ दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स हैं वो भी इस प्रक्रिया को फॉलो करके प्रॉफिट कमाने की दिशा में आगे बढ़ सकें दोस्तों। तो पहले समझिए स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। मार्केट दोस्तों कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है ना स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरता है। तो मार्केट में कंटिन्यूअस वेव का फॉर्मेशन होता है जिसे स्विंग्स बोलते हैं। तो जब हम एक स्विंग्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों जब हम मार्केट ट्रेंडिंग हो, या तो मार्केट वेल डिफाइंड अप ट्रेंडिंग हो या मार्केट वेल डिफाइंड डाउन ट्रेंडिंग हो, तभी ये स्ट्रेटजी आपको बेहतर तरीके से काम करेगी और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने की दिशा में आपको मदद कर सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों ताकि कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो सके कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं ताकि हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में काम कर सकें दोस्तों। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों इस सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखते हैं। चलिए दोस्तों इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक नाम दे देते हैं, मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और उसका कारण सिंपल ये है दोस्तों कि हम इसमें सिर्फ दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। पहला मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करेंगे और दूसरा एटीआर जो इंडिकेटर है एवरेज टू रेंज उसे इस्तेमाल करेंगे। और इन दोनों इंडिकेटर्स के ऊपर में बड़ा डिटेल वीडियो 0 to 0 की प्लेलिस्ट में आपके चैनल पे उपलब्ध है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। अब ये दो इंडिकेटर का जब इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर कर लेना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग अप है या ट्रेंडिंग डाउन है, और उस कंडीशन में ही हमें इन कंडीशंस को देखना है। नंबर वन, प्राइस सिंपल मूविंग एवरेज 233 के ऊपर होनी चाहिए। कंडीशन नंबर दो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 के ऊपर होनी चाहिए। और तीसरा दोस्तों कि जब भी मार्केट में करेक्शन हो तो वो करेक्शन के वक्त में EMA 55 के पास में एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, और जब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो वॉल्यूम में इंक्रीज होना चाहिए। और ये सारी प्रक्रिया हम करेंगे डेली प्राइस चार्ट। अब ये सारी कंडीशन जिसकी चर्चा अभी की गई आपने अगर प्राइस चार्ट पर देख ली है तो अब वक्त आता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बनाने का। तो हम किस प्राइस पर एंट्री करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो बुलिश कैंडलस्टिक बनी है उसका जो हाई है उसमें हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने के बाद जो भी प्राइस आएगी वो हमारी प्रीसाइज एंट्री प्राइस होगी दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर हाई 100 है तो उसमें 100 में 1.0033 जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसे लगाएंगे तो वो आता है 100.35। यहां पर हम अपना GGT ऑर्डर क्रिएट करेंगे, बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं अपने अनुभव से आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे मार्केट में फॉल्स मार्केट कंडीशंस या फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करने में बहुत लार्ज एक्सटेंट तक आपको मदद मिल सकती है। वैसे दोस्तों आज हम अप ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और प्राइस चार्ट पर भी चलेंगे दोस्तों, जहां पर इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों एंट्री प्राइस तो हमने तय कर ली, अब हमें एग्जिट प्राइस या मार्केट से बाहर कब निकलेंगे दोस्तों उसे तय करना है। तो दो ही कंडीशन में हम मार्केट से बाहर निकलेंगे, या तो लॉस में या प्रॉफिट में दोस्तों। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है दोस्तों EMA 55 के पास, उसके पहले जो भी प्रायर स्विंग लो है
उससे 1 ATR नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को लगाएंगे दोस्तों। अब ATR 21 पीरियड का मैं इस्तेमाल करता हूं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इस तरह से R की वैल्यू निकल जाएगी। R का तात्पर्य है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं पर शेयर में इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत दोस्तों। तो एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस जो है वो आर की वैल्यू दे देगा। और प्रॉफिट कहां बुक करेंगे दोस्तों? फिक्स्ड प्रॉफिट स्ट्रेटजी दोस्तों। जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर हैं उन्हें फिक्स्ड प्रॉफिट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए, टेक प्रॉफिट जिसे बोलते हैं। तो एंट्री प्राइस में जो आर की वैल्यू अभी निकाली है उसमें 2R ऐड कर दें ताकि हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कम से कम 1:2 का निकलना चाहिए, तभी तो हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में स्टॉक मार्केट में काम करेंगे। जब लॉस हो तो वो छोटा होना चाहिए, जब प्रॉफिट हो तो वो बड़ा होना चाहिए। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रूल को फॉलो करते हुए बनी है दोस्तों, ताकि हमारे इमोशंस हमें अफेक्ट ना डालें और हम सिंपल मार्केट में ये कंडीशंस होगी तभी हम एंट्री करेंगे, और एंट्री की प्राइस भी वेल डिसाइडेड है और एग्जिट करने की भी प्राइस वेल डिसाइडेड है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इस स्विंग ट्रेडिंग की मेथड जो है जिसमें हम मूविंग एवरेजेस और ATR का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कैसे प्राइस चार्ट के ऊपर में इंप्लीमेंट करते हैं उसे सीखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें कंडीशंस को देखना है, पहले तो मार्केट में ट्रेंड क्या है, या अप ट्रेंडिंग स्टॉक है दोस्तों, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली करता आ रहा है। अब कंडीशंस देखते हैं, EMA 21 ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो EMA 55 जो ब्लू कलर की लाइन है ये उसके ऊपर है दोस्तों, तो पहली कंडीशन मिल गई। प्राइस जो है प्रेजेंटली जो ट्रेड हो रही है इस जगह पे ध्यान से देखें, यहां पर तो प्राइस ट्रेड हो रही है इस ग्रे कलर की लाइन जो SMA 233 को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब हमारी कंडीशन सब फुलफिल हो गई और अब हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना है। इस जगह देखिए दोस्तों, इस इंपल्सिव ब्रेक के बाद ये जो करेक्शन हुआ, इस करेक्शन के पास में ये ब्लू कलर की लाइन जो EMA 55 है इसके पास में एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जो बुलिश पियर्सिंग कैंडल है। यस दोस्तों, आपको सारे पैटर्न जो हैं, वन व्हाइट सोल्जर किसे बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग किसे बोलते हैं, बुलिश पियर्सिंग कैसे किसे बोलते हैं, बुलिश हरामी किसे बोलते हैं, बुलिश हैमर किसे बोलते हैं, या फिर पिन बार किसे बोलते हैं, ये सब चीजों का आपको ज्ञान होना पड़ेगा और उसके लिए जीरो टू जीरो में वीडियो उपलब्ध है, ट्यूटोरियल वीडियो में सेपरेट प्लेलिस्ट में आपके चैनल पर। अब दोस्तों यहां पर ये कैंडल बन गई, तो अब यहां पर हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना है। तो अब यहां पर हम चेक करेंगे कि वॉल्यूम इस कैंडल के ऊपर में बड़ा है कि नहीं। यहां देखिए दोस्तों, यहां पे कर्सर लाएंगे इस कैंडल पे, यस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है दोस्तों। तो ये सारी कंडीशंस जब हमें मिल गई तो अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना है, और ये ATR मैंने सेलेक्ट किया है। आप इसके ATR के कंडीशन को देखेंगे तो ये ATR 21 पीरियड का ATR इंडिकेटर है, ताकि ATR की वैल्यू को हम निकाल सकें। तो दोस्तों यहां पर देखिए कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए मैं पहले से मैंने वर्क करके रखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहां देखिए, सबसे पहले हमें एंट्री प्राइस को फिक्स करना है दोस्तों। तो यहां देखिए, ये जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, जो बुलिश पियर्सिंग है, इसका हाई जो है 490.1 है दोस्तों। तो यहां देखिए एंट्री प्राइस क्या हो जाएगी, हाई के ऊपर में 1.0033 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना है, और ये देखिए 490.1 इंटू 1.0033 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया, तो ये आ गया 491.71। तो 71 तो हम प्राइस नहीं लगा सकते, तो उसका नेक्स्ट हायर जो टिक प्राइस है उस पे हम बाय एंट्री प्राइस रखेंगे, और ये है दोस्तों 491.75। इसे मैंने राउंड ऑफ कर दिया, नेक्स्ट हायर पर हमें राउंड ऑफ करना है दोस्तों, नीचे में नहीं करना है। 491.71 को 491.70 नहीं करना है, 491.75 करना है। तो ये दोस्तों हमारी एंट्री प्राइस हो गई। तो यहां पर हम बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर के लिए GTT ऑर्डर अपने टर्मिनल पे क्रिएट कर देंगे। जब मार्केट बंद है
तो अगले दिन के लिए हम क्रिएट कर देंगे। अब दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, तो ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न का प्रायर स्विंग लो क्या है, तो इसी कैंडल का जो लो है दोस्तों वो स्विंग लो है, और वो है दोस्तों 460.15, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहां पर लो में हम 180R माइनस करेंगे। अब यहां पर ATR की वैल्यू क्या है, ATR की वैल्यू आपके स्क्रीन पर ATR की विंडो में नीचे देखेंगे तो दिखाई देगी, मैंने कर्सर वहां रखा है, 19.45 ATR की वैल्यू है। तो हमारा स्विंग लो जो है 460.15, उसमें माइनस 180R कर देंगे जिसकी वैल्यू 19.45 है, तो ये आ गया 440.7। तो हमारा स्टॉप लॉस एब्सोल्युटली फिक्स हो चुका है, एंट्री प्राइस फिक्स हो चुकी है। अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, ये देखिए यहाँ पे आर इज इक्वल टू एंट्री माइनस स्टॉप लॉस 491.75 माइनस 440.7, तो 51.05 प्रिसाइज वैल्यू आ गई आर की, जो हमारा रिस्क है पर शेयर दोस्तों। अब दोस्तों किस तरह से क्वांटिटी निकालते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए आप जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 31 है उसे आप देख सकते हैं, ताकि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को प्रॉपर तरीके से किया जा सके। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इस जगह पे हमारा ये हो गया, तो प्रॉफिट क्या आएगा, टेक प्रॉफिट लेवल रहेगा फिक्स्ड स्ट्रेटजी के तहत, टारगेट एंट्री प्राइस प्लस 2R, R हमने यहां निकाल दिया तो 51.05 मल्टीप्लाइड बाई 2R हो गया। अब यहां पर देखिए 491.75 हमारी एंट्री प्राइस थी, प्लस 2R यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 593.85 हमारा टारगेट प्रॉफिट हो गया। तो हम GTT ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ही हमारी एंट्री ट्रिगर हुई तो हमने GTT ऑर्डर क्रिएट कर दिया, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो हम बाहर निकल जाएंगे लॉस पे, और अगर प्रॉफिट ट्रिगर होगा तो हम प्रॉफिट पे निकल जाएंगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया कितने दिन में, 14 डेज में ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। इसका तात्पर्य है, अगर हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख है और हमने 1% रिस्क पे काम किया है, 5000 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं, तो हमने 10000 रुपए कमा लिए 14 डेज के अंदर में, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये काफी बड़ा प्रॉफिट आएगा, 20.76% का प्रॉफिट नजर आ रहा है। चलिए ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, सिमिलर कंडीशन क्या आगे अपीयर हुई है, तो इस जगह देखिए दोस्तों ये प्राइस नीचे आ गई और यहां पर कोई कंडीशन नहीं मिली, क्योंकि यहां पर EMA 21 जो है वो SMA EMA 55 के नीचे है। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहां पर आप देखिए EMA 55 के ऊपर में चली गई EMA 21, और यहां पर एक बुलिश कैंडल बनता है। ये बुलिश कैंडल के ऊपर में सिमिलर टाइप से स्ट्रेटजी हम क्रिएट कर सकते हैं, और इसका प्रायर स्विंग लो जो है उसके 180R नीचे स्टॉप लॉस लगा के ये देखिए ये टारगेट भी अचीव हो गया। इसके बाद फिर दोस्तों क्या हुआ, यहां पे फिर एक बार मौका मिला, EMA 55 के पास में मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और यहां पर हमने एक फिर से बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर GTT ऑर्डर क्रिएट किया, देखिए ये टारगेट भी अचीव हो गया। तो इस तरह से हम अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, जब वो कंडीशंस बने तभी हम एंट्री का डिसीजन लेंगे, और एक फिक्स्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन की उसके तहत काम करेंगे, तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में हम काम करेंगे दोस्तों। क्या हमेशा प्रॉफिट होगा दोस्तों, कतई नहीं दोस्तों, हमेशा प्रॉफिट किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, कोई होली ग्रेल ढूंढने की कोशिश स्टॉक मार्केट में नहीं कीजिए, लेकिन यहां पर जो स्ट्रेटजी बनी है, अब हमारा 2 लेवल फिक्स्ड है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस, तो इन दोनों को डेविएट नहीं करना है जब हमारा, और सबसे बड़ी बात है डेविएट करने आज टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। एक बार आपने GTT ऑर्डर क्रिएट कर दिया
तो टेक्नोलॉजी पे छोड़ दीजिए, चार्ट को देखने की बार बार जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन कीजिएगा, कैसे मेंटेन करते हैं उसका भी वीडियो जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए पसंद आई है तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टॉक मार्केट के जो बिगनर्स हैं उन्हें लाभ पहुंच सके। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।